हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, नमस्ते। हाय, आई एम सुरेश द्विवेदी। आज हम बात करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से अपने सारे स्टूडेंट और व्यूअर्स से कुछ चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो जो इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें और नेक्स्ट बैच फिर मैं जल्द ही अनाउंस करूंगा। फ्रेंड्स, आज जो हम वर्ड्स कवर करेंगे, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर हम बातचीत करते समय गलतियां करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या बोला जाएगा गरीब लोगों के लिए, जैसे क्या वर्ड यूज करेंगे, पुअर, पुअर पर्सन, द पुअर, पुअर पीपल, कैसे शब्द इसको यूज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स जो द, कुछ ऐसे वर्ड्स बेसिकली मींस एडजेक्टिव्स जिसके पहले द अटैच हो जाता है, यानी द प्लस एडजेक्टिव या द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव और द प्लस एडजेक्टिव जब ये कंबाइंड होकर के एक प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, व्हेन दे स्टार्ट डिनोटिंग, When they start denoting human quality बताना शुरू कर देते हैं, ये plural के equivalent हो जाते हैं और पूरी जब ये community को बताने लगते हैं, यानी कि अब ये पूरी community को represent कर रहे हैं, पूरी जाति को represent करने का काम कर रहे हैं, तो ये हमेशा plural format में होते हैं। For example, जैसे मान लीजिए the rich, rich तो है, पर जैसे मैंने बोला the rich, तो द रिच का मतलब हो गया रिच पीपल, ध्यान रखिएगा। द डम, डम का मतलब, द डम का मतलब यहां पर हो गया डम पीपल, यानी उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सिक, इट मींस सिक पीपल, जो बीमार लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है। द लेम, इट मींस लेम पीपल। द डेफ, डेफ इसका मतलब पूरे के पूरे जो डेफ पीपल है उनके बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं द पुअर, तो द पुअर का मतलब हो गया कि वो कंप्लीटली पुअर पीपल के बारे में बात की जा रही है। तो आप कह सकते हैं या तो द पुअर या पुअर पीपल, एक साथ द पुअर पीपल नहीं यूज करेंगे और द पुअर्स भी नहीं यूज करेंगे। ऐसे ही डेफ्स नहीं बोलेंगे, इसी तरीके से इसमें डम्स नहीं बोलेंगे, द रिचेस नहीं बोलेंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे, इनका प्लूरल नहीं फॉर्म करेंगे, अपने आप में प्लूरल होते हैं। बट फ्रेंड्स, रिमेंबर फ्यू थिंग्स दैट सम कलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओनली मीन्स आई टॉक ऑफ टू इम्पॉर्टेंट कलर इन दैट मीन सम कलर्स कैन बी यूज इन द प्लूरल टू रिप्रेजेंट पीपल। लोगों के संबोधन के लिए कलर के पहले द लगा करके और उसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें एस को जोड़कर, जैसे ब्लैक वाइट। तो अब इस पूरी कम्युनिटी या रेस को रिप्रेजेंट करें तो द ब्लैक्स या द वाइट्स यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर ये कलर जो है ब्लैक्स एंड वाइट्स, जो मैंने बोला द ब्लैक्स और जो मैंने बोला द वाइट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोरे लोग, काले लोग। लाइक मीन्स इट शुड नॉट बी यूज, पर दुनिया में यूज किया जाता है। दिस इज बेसिकली रंग भेद की नीति, दैट इज नोन एज अपार्टाइड सिस्टम, ये इसके अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन या कुछ ऐसे प्रोनाउन, राइट, जो बिना किसी बदलाव के, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं, जो बिना किसी बदलाव के सिंगुलर में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, प्लूरल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फाइन, अभी हाल ही में टीवी सीरियल स्टार्ट हुआ था, हम सब देखते थे कि एक टीवी सीरियल का नाम था एट क्रॉस रोड्स। मीन्स आप ऐसे जगह पर आप आकर के खड़े हैं कि आप डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। सो क्रॉस रोड्स वर्ड है, बैरक्स वर्ड्स है, इनिंग्स वर्ड्स है, इनिंग्स जो वर्ड है वो सीरीज वर्ड है इसके अंतर्गत, स्पीसीज वर्ड है इसके अंतर्गत, हेडक्वार्टर्स है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मीन्स, MEANS मीन्स, ये सब दोनों फॉर्म में इस्तेमाल हो सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, विदाउट एनी चेंजेस, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। बट रिमेंबर, जब हम मीन्स वर्ड यूज करते हैं तो मीन्स के बारे में थोड़ा सा समझिए। जब मीन्स का मतलब जब होता है मेथड, यानी विधि, यानी कि कोई काम करने का तरीका,
वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, राइट। लेकिन जब मीन्स का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम यानी मॉनेटरी रिसोर्सेस क्या है इस पर्सन की, मॉनेटरी रिसोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, इस जगह पर मीन्स हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में होता है, वो प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल हिज मीन्स का मतलब यहां पर हो गया मॉनेटरी रिसोर्सेस, हिज मीन्स आर इनसफिशियंट, हिज मीन्स आर इनसफिशियंट टू कीप हिम बैलेंस्ड इन दिस लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में मतलब उसकी जो मॉनेटरी रिसोर्सेस हैं वो इनसफिशियंट हैं, पूर्ण रूप से सही नहीं है कि उसको वो बैलेंस बना करके रख सके। तो यहां पर मीन्स सोर्स ऑफ इनकम की तरह इस्तेमाल किया गया। मीन्स जब मेथड की तरह यूज करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जब मेथड की तरह यूज करते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेट में यूज हो जाता है। इसको सिंगुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन जब मेन सोर्स ऑफ इनकम के लिए होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जानते हैं, अगला वर्ड लेते हैं ग्लास। एक ग्लास का मतलब जो हम शीशा इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, दूसरा पानी पीने के लिए जो यूटेंसिल जो बर्तन यूज करते हैं वो ग्लास, तीसरा जो मैंने ये डाल रखा है ग्लासेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जब ग्लास का मतलब शीशा होता है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में इस्तेमाल किया जाता है, ही हैज बॉट अ ग्लास, दैट इज देयर। लेकिन जब पीने के पानी के बर्तन के सेंस में ग्लास यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक काउंटेबल नाउन है, वन ग्लास, टू ग्लासेस, थ्री ग्लासेस हम वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब सिर्फ ग्लासेस वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है स्पेक्ट्स इसके सेंस में, चश्मे के सेंस में, तो ग्लासेस वहां प्लूरल नाउन है। जैसे मैंने कहा yesterday I got my glasses from optical shop। मेरे एक फ्रेंड है, अपनी ऑप्टिकल शॉप रन करते हैं और बड़े अच्छे हैं, तो मैंने सोचा ये सेंटेंस मैं उनके लिए भी यूज कर लूं कि yesterday I got my glasses from optical shop। ये एग्जाम्पल है, मैं इस लॉकडाउन में लेने नहीं गया था, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग कहेंगे कि सर खुद कहते हैं घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और खुद ही अपनी ग्लासेस लेने के लिए ऑप्टिकल शॉप पर घूम रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, प्लीज। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ट्रुप, TROOP। ट्रुप, ट्रुप का मतलब हो गया ग्रुप और क्राउड ऑफ पर्संस, ग्रुप और क्राउड ऑफ पर्संस और एनिमल्स, समूह या झुंड या भीड़, लोगों का या जानवरों का, दैट इज नोन एज ट्रुप्स। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रुप ऑफ हॉर्सेस यहां मैंने यूज किया। नेक्स्ट है अ ट्रुप ऑफ स्काउट्स, जो हमारे एनसीसी के कैडेट कोर जो होते हैं उनमें स्काउट्स एंड गाइड्स भी एक ऐसी पाई जाती है, उन स्काउट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए इनको जब मैंने कहा ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो टू ट्रूप्स ऑफ भी हो सकता है, टू ट्रूप्स ऑफ हॉर्सेस, झुंड के बारे में बात की जा रही है, तो टू ट्रूप्स ऑफ स्काउट्स ऑल्सो। लेकिन जब ट्रुप का मतलब TROOP, ट्रुप का मतलब सोल्जर्स, हमारे सिपाहियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सोल्जर्स के लिए यूज किया जाएगा, सो ये ऑलवेज प्लूरल नाउन में होगा, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ट्रूप्स आर वॉचफुल, द ट्रुप्स आर वॉचफुल ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पर वो बिल्कुल वॉचफुल हैं। फ्रेंड्स इसमें आज हमने जो वर्ड्स कवर किए इसमें मैंने आपको बताया पुअर, डेफ, डम, इनके लिए मैंने बताया कि जब इनके पहले द शब्द लग जाता है तो इनकी पूरी समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, इनकी पूरे के पूरे ये ह्यूमन, उस पर्टिकुलर ह्यूमन रेस को या ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का काम शुरू कर देता है, तो ये प्लूरल के इक्विवेलेंट होता है। फिर मैंने आपको कलर से रिलेटेड बताया, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैंने कुछ वर्ड्स कैसे बताए, कुछ ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं जो बोथ फॉर्म में, अपने दोनों फॉर्म में बिना किसी चेंजेस के ही यूज किए जाते हैं, राइट, दैट्स देयर। फिर आपसे मैंने ग्लास के बारे में बात की, फिर मैंने आपसे ट्रुप के बारे में बात की। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए इनरोल करवाएं और मेरे से ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।